Dear students, a very good morning to all of you. Today, in our communication skills, we are going to discuss about punctuation. Well, हमारे last video में हमने about sentences पढ़ा था. Sentence को कैसे हम meaningful बना सकते हैं, हमें किस किस letter को capitalize करना है, हमें कहाँ पे full stop place करना है, कहाँ पे comma देखना है, कहाँ पे question mark देखना है, कहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क देखना है. हमें कैपिटलाइजेशन के लिए एक रूल है, डेट इज मिंट्स, वो हमने कल देखा था. वो कहाँ पे किस किस लेटर को हमें कैपिटलाइज करना है इन बिटवीन द सेंटेंस. सो आज का जो टॉपिक है डेट इज पंक्चुएशन. पंक्चुएशन इज अ सेट ऑफ मार्क्स सच एज द फुल स्टॉप एंड द कॉमा विच हेल्प अस सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग. पंक्चुएशन हम सेंटेंस में ही इंक्लूड करते हैं, सेंटेंस में ही एक कुछ सेट ऑफ मार्क्स होते हैं, जैसे फुल स्टॉप है, कॉमा है, एपोस्ट्रोफी है, जो सेपरेट करते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को और उसकी मीनिंग को, उस सेंटेंस को पूरा मीनिंगफुल बनाते हैं. कि कहाँ हमें सेंटेंस में पॉज देना है वहां पे हम कॉमा डालते हैं, कहाँ पे हमें फुल स्टॉप देना है वहां पे हम सेंटेंस एंड करते हैं. तो उसके लिए हमें पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है. लाइक अपर केस लेटर्स punctuation is also a very important part of sentences and has some rules. जैसे अपर केस लेटर्स मीन्स कैपिटल लेटर्स, जैसे सेंटेंस में कैपिटल लेटर्स बहुत जरूरी होते हैं, वैसे ही पंक्चुएशन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस है. एंड इसके अपने रूल्स है कि कहाँ पे हमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज करना है. सम कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स एंड देयर यूज हैव बीन गिवन इन द टेबल बिलो. दिस इज द टेबल फॉर सम कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स और वो कहाँ पे यूज होते हैं अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं. पहला पंक्चुएशन मार्क है हमारा फुल स्टॉप. इसका साइन जैसा आप सब जानते हैं, इट्स जस्ट अ फुल स्टॉप. एंड वेयर इट इज यूज, इट शोज द एंड ऑफ अ सेंटेंस. ऑल्सो यूज टू शो शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर कैन बी शॉर्टन टू डी आर वेन वी यूज इट एज अ टाइटल बिफोर अ नेम. जब भी हम टाइटल किसी का यूज करते हैं, वो हमने कल देखा टाइटल हम कैपिटल लेटर से आगे स्टार्ट करते हैं. तो डॉक्टर, जब हम एक डॉक्टर का टाइटल लगाएंगे डी आर, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप यूज करते हैं. और सेंटेंस फुल स्टॉप का आपको दूसरा मेन इम्पोर्टेंट यूज पता है, दैट इज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. तो एक तो सेंटेंस के एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, और जब भी हम किसी भी नेम ऑफ अ पर्सन को रेफर करेंगे विद द टाइटल, तो उस टाइटल के बाद में फिर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सेंटेंस, सो फुल स्टॉप. दिस इज अनदर सेंटेंस, अगेन अ फुल स्टॉप. संजय इज अ डॉक्टर, अगेन अ फुल स्टॉप. हिज पेशेंट्स कॉल हिम डॉक्टर संजय. तो यहाँ पे इस टाइटल को लगा दिया गया है फुल स्टॉप, डॉक्टर संजय. तो यहाँ पे आपने देखा फोर सेंटेंसेस है, और हर एक सेंटेंस के एंड पे एक फुल स्टॉप है, एंड ऑल्सो टाइटल के साथ भी एक फुल स्टॉप है. नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज कॉमा. कॉमा इज यूज टू इंडिकेट अ पॉज इन द सेंटेंस. जब कभी बड़ा सेंटेंस होता है तो हम उसमें पॉज इंडिकेट करने के लिए कॉमा लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द वेटर गेव मी अ मेन्यू कॉमा आई ऑर्डर्ड फूड. पहले मुझे वेटर ने मेन्यू कार्ड दिया, उसके बाद मैंने फूड ऑर्डर किया. तो ये एक बड़ा सेंटेंस है और इसमें एक पॉज की जरूरत है. वो पॉज हमने इंडिकेट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमा. इसका दूसरा यूज, वी कैन ऑल्सो यूज अ कॉमा टू सेपरेट आइटम्स वेन वी आर लिस्टिंग आउट मोर देन टू आइटम्स इन अ रो. जब हम कुछ सिमिलर आइटम्स, मोर देन टू हम बात करते हैं, मोर देन टू आइटम्स की बात करते हैं, तो तब उनको हम बीच में कॉमा से सेपरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट एप्पल्स कॉमा ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स. यहाँ पे ये फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, तीनों फ्रूट्स है, लेकिन ये तीन है. अगर दो ही होते तो हम लिखते आई ब्रॉट एप्पल्स एंड ग्रेप्स, वहां कॉमा की जरूरत नहीं थी. लेकिन यहाँ पे मोर देन टू है, सो वी हैव यूज्ड अ कॉमा इन बिटवीन. आई बॉट एप्पल्स कॉमा ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स. सिमिलरली वी कैन से आई लव चॉकलेट कॉमा चिप्स एंड आइसक्रीम. So I'm listing three things and I have used a comma in between. Next punctuation mark is question mark. Question mark आपको पता है, whenever we ask a question, we put a question mark at the end instead of full stop. जब भी हम sentence को in the form of question लिखेंगे, तो वहां पे हम full stop के बदले end पे question mark लगा देते हैं. We use a question mark at the end of a question.
फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं. वी आर आस्किंग फॉर समथिंग, व्हाट इज योर नेम, सो हियर वी विल एंड आवर सेंटेंस विद अ क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड आर यू, क्वेश्चन मार्क. वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क. हु टीचेज यू, क्वेश्चन मार्क. सो आई एम आस्किंग समथिंग, एट द एंड आई हैव टू प्लेस अ क्वेश्चन मार्क इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल ऐसे, और ये हम यूज करते हैं एट द एंड ऑफ अ वर्ड और अ सेंटेंस टू इंडिकेट अ स्ट्रांग फीलिंग सच एज सरप्राइज, शॉक और एंगर. जब हम सेंटेंस में कोई स्ट्रांग फीलिंग इंडिकेट करते हैं, जैसे हम किसी बात पे सरप्राइज हो रहे हैं, वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो तब हम फुल स्टॉप के बदले एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. या जब हमें किसी चीज पे शॉक लगता है, वी आर शॉक्ड एट समथिंग, तब भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. या हमें गुस्सा होता है किसी चीज का, तो तब भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. इन तीन चीजों पे, सरप्राइज, शॉक और एंगर, इन तीनों प्लेसेस पे वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, एक्सक्लेमेशन मार्क. यू आर शोइंग योर सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. या वी आर एक्साइटेड, हम बोलेंगे हुर्रे, वहां पे भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. या यू आर लेट, यू आर एक्सप्रेसिंग योर एंगर, यू आर लेट, तो एक्सक्लेमेशन मार्क. तो इन चीजों पे जब ये वाली फीलिंग्स हमारे पास आती हैं, तो वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क. दिस इज अ पंक्चुएशन मार्क यूज टू इंडिकेट अ स्ट्रांग फीलिंग सच एज सरप्राइज, शॉक और एंगर. नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी, वी यूज एन एपोस्ट्रोफी, इसका ऊपर जो कॉमा होता है, वी यूज एन एपोस्ट्रोफी फॉलोड बाय एन एस टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन. जब हमें कुछ दिखाना होगा कि ये चीज किसी की है, तब हम वो एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं और उसके पीछे फॉलो उसको करता है छोटा एस, स्मॉल एस. जैसे दिस इज दिव्याज पेन, दिव्याज के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है. दिस वी आर शोइंग दैट दिस पेन बिलोंग्स टू समवन एल्स, तो यहाँ पे वी आर मेकिंग यूज ऑफ एन एपोस्ट्रोफी एस. ओके, दिस इज दिव्याज पेन. नेक्स्ट इज आर दीज अब्दुल्स बुक्स, अब्दुल्स बुक्स, अब्दुल्स के साथ हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है. दूसरा यूज है एपोस्ट्रोफी का, वी ऑल्सो यूज एन एपोस्ट्रोफी टू इंडिकेट द शॉर्टन्ड फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स इन इनफॉर्मल स्पीच. जब हम किसी के साथ इनफॉर्मली बात करते हैं, तो हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं किसी चीज, किसी दो वर्ड्स को मिलाने के लिए, उनका शॉर्टन्ड फॉर्म बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस. अदरवाइज ये है लेट अस, यू एस, लेट अस गो, इंस्टेड ऑफ लेट अस गो, इतना बड़ा लिखने के बजाय हम इसको शॉर्टन्ड फॉर्म में लिखते हैं लेट्स गो. ओके, यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं. या ही इजंट हेयर, अदरवाइज इट इज एक्चुअली ही इज नॉट हेयर, इंस्टेड ऑफ ही इज नॉट हेयर, इज नॉट हेयर को हमने इजंट बना दिया है, शॉर्टन्ड फॉर्म है इसका, और यहाँ पे भी हमने एपोस्ट्रोफी लगा दिया है, एपोस्ट्रोफी टी. या डजंट, या वाजंट, तो इधर इन शॉर्टन्ड फॉर्म्स में हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं. सो दीज आर द मेन पंक्चुएशन मार्क्स जो हम यूजुअली सेंटेंसेस में देखते हैं और हमें यूज करने पड़ते हैं ये पंक्चुएशन मार्क्स. तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है. आपके लिए एक होम असाइनमेंट है, आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज करेंगे इन योर ओन मेड सेंटेंसेस. आप अपने सेंटेंसेस बनाएंगे और वहां पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क, हर एक एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे. दिस इज अ होम असाइनमेंट फॉर यू. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.